नमस्कार सभी किसान भाइयों को, व्यापार भाइयों, किसान भाइयों। आज है किसान भाइयों 30 अक्टूबर। तो जैसा आप जानते हैं कि दिवाली के माहौल के कारण गन्ने हमारे मंडी में बहुत आते हैं, और मैं हूँ इस वक्त 3 नंबर गेट पे। ये आपको दिख रहा है, ये 3 नंबर गेट है किसान भाइयों, और बाकी अपनी जो बड़ी मंडी, तो जो गन्ने का है शेड वो 3 नंबर गेट के बाहर भी दिया हुआ है। और 3 नंबर गेट से लगा के यूँ देखा जाए तो भाइयों जो चेक पोस्ट है, मेन मंडी का चेक पोस्ट है, वहाँ तक गन्ने के ट्रकों ने आज लगे हुए मंडी में। और बाकी तो आप जान ही सकते कि त्योहारों का दिन है, तो इस दिन और दिवाली दिन तक तो गन्ने की यहाँ पे लेवाली वेवाली रहती ही रहती है। और गाड़ियों की आवक तो आप पूछो मत कि 50, 60, 70, 80 गाड़ियों तक की आवक देखने को मिल रही है मंडी में। और कई गाड़ियाँ तो ऐसी जो मंडी में खाली भी हो चुकी है रात में। बहुत सारे जगह जगह किसानों ने आए, अपने भैया खुद भी गाड़ी खाली कर रहे हैं, देखो अब क्योंकि अब खुद ही ला रहे तो खुद ही खाली भी करो। बहुत सारे वेरायटी भी इसमें गन्ने को देखने मिल रही है। ये देखो आप क्वालिटी देख सकते हैं, जानते हैं इनसे अपन बाजार क्या खुल रहा है मंडी में, क्या नहीं आज इंदौर मंडी में। ये देखिए जहाँ तक आपके यार नजर जाए तो वहाँ तक आपको सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ी दिखेगी मंडी में। ये टोटल गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेगी क्योंकि माल की आवक भरपूर है। अपने भाई से मैं, भाई अपन कहाँ से लाए माल, अपन भी आइए कहाँ से लाए, बरूड खंडवा से। तो ये कितना पूरी ऐसे भरी हुई थी है ना। अच्छा एक पेरी में कितने का गन्ना है? 10 नगे। और क्या भाव चल रहा है अंदाजन? 12-13 रुपए पीस चल रहा है, मतलब 100-110 रुपए ये गड्डी चल रही है ना। क्या नाम अपनो भैया? किशन भाई। कहाँ, कौन से गांव से अपन? ये बरूड जिला से है ना, बरूड गांव से। ये थे अपने कृष्णा भाई, जिनकी पूरी मतलब यूँ मान के चलो भैया हो कि 19 पेटी की ऐसा है बड़ी, उस हिसाब से उनका माल बिक रहा है। मतलब 100 रुपए से 110 रुपए के 10 नग बिकते हैं यहाँ पे। अच्छा भैया वेरायटी कौन सी है, कुछ है इसका वेरायटी कौन सी है? ये लाल वाला ये। अच्छा बहुत सारी वैरायटी। चलो और किसान भाई से अपन बात करते हैं। भाइयों देखते हैं ये भी वैरायटी, अपने किसान भाई भी खड़े हैं। ये देखो ये ऐसा माल है साफ सुथरा। मैं कहा क्या ढेरी दी है? 100 रुपए गड्डी। एक गड्डी में कितने का नगे? ये 10 नगे। अपन कौन सा गांव से काका जी? नेपा नगर बुरहानपुर के पास से है ना। ये अपनी गाड़ी है ये पूरी? अच्छा वेरायटी इसमें कुछ अलग आती है कि एक ही माल आता है? अरे ये कौन सी वेरायटी का गन्ना है? लाल मेले है ना। देखिए आप क्वालिटी देख सकते हैं आप, देखिए ना भैया जी। किसान भाई से अपन पूछते भाई हो, ये देखिए आप क्वालिटी आप देख सकते हैं आप वीडियो में। ये और हाइट भी अच्छी खासी लंबी है। मतलब अपन कहाँ से लाए गन्ना? ये खंडवा जिले से है ना। गाँव? कोदरा। अपना नाम भैया जी? वकील भाई है ना। कितनी ऐसा लाया था पिकअप कुछ आईसर? आईसर आईसर से लाए थे ना। अच्छा क्या क्या भाव चल रहा है दादा? ये 1700-1800। एक गड्डी में कितने क्या नगे? ये 10 नगे। तो क्या भाव पड़ गया ये अंदाजन? ये वहाँ से पड़ा 14-15। 14-15 रुपए। अच्छा ये वैरायटी थोड़ी महंगी है ना। बाकी जो ये देख रहे हो ये थोड़ा ये हल्का है। ये क्या भाव चल रहा है? ये नहीं मालूम क्या भाव चल रहा है। तो ये थोड़ा क्या अपना ये लोकल टाइप का मान लो 15 रुपए चला रहे। अपना माल है ये? अच्छा 15 रुपए है ना, मतलब 150 रुपए ये मान लो। 150 रुपए के 10 नग। क्या नाम भैया अपना? अल्पेश। अल्पेश कौन सा गांव से भैया? महाराज से अपन टोटल। ठीक है भैया देख सकते हैं आपको मतलब सब जो से गन्ना ही गन्ना दिखेगा इस टाइम में। तो हमारी मंडी में ये है कि आपको चारों तरफ गन्ना ही दिखेगा, धनतेरस के दिन से ला के दीपावली तक, इसके बाद में 11 तक भी गन्ना दिखता है मंडी में। किसान भैया आज भी जो रात भर से यूँ मान के चलो मंडी में लेवाली खरीदी चल रही है। कई गाड़ियाँ आके खाली भी हो चुकी है मंडी में, और कई गाड़ियाँ देखा जाए तो मंडी भी अभी आ भी रही है। देखो भैया अपन आ गए 2 नंबर गेट पे। यहाँ पे भी आप एक जैसा माहौल देख सकते हैं, पूरा गन्ना के गन्ना ये। और उतर भी रही है गाड़ियाँ, खुद किसान भाई उतार रहे हैं क्योंकि माल तो यहाँ पे इनके लिए मिलते ही नहीं, इसलिए खुद ही उतार रहे। वो खुद ही उतार रहे, एक बंदा ऊपर है और नीचे खुद ही माल उतार रहे। अपन कहाँ से लाए? ये हमारे खंडवा के आगे खापरी गाँव है। खापरी गाँव? अच्छा अच्छा पूरी ऐसा है दादा अपनी है। अच्छा एक एक गन एक पेरी में कितने का नग पीस है ये? एक पेरी में 12-14। 12-14। और क्या भाव चला रहे हो इसका? अच्छा हाँ मतलब 150 के 10, 120 के 10 हिसाब से चल रहा है ना। अच्छा वेरायटी कौन सी क्या दादा इसकी अपनी? ये भैया अपने गुड़ पुराना जो गुड़ निकलता था कि नहीं? अच्छा अच्छा पुरानी वेरायटी हमारे। अच्छा 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 ये अपने भैया है, क्या नाम दादा अपना? मेरा नाम आनंदराम है। आनंदराम भैया अपने जो खंडवा के पास से लाए भैया जी। अच्छा तो एक ये है वेरायटी किसान भाई, 100 रुपए के 10 नग ने काका जी। मैं काका अपन कहाँ से लाए माल? कालदा खेड़ी। कहाँ हो दादा? यह छह गांव माखन का पास में से है नहीं? कहीं पिकअप लाए थे क्या इस सर के लोड? तो अपना
पिकअप को लौटते हो नी। क्या नाम बता अपना? आसाराम। आसाराम अपना भैया? वासुदेव भैया। अपने भाई किसान भाई से पूछते हैं, ये जो काले गन्ने की वैरायटी आप देख सकते हैं वीडियो में, देखिए इनसे पूछते हैं कौन सी क्या वैरायटी। भैया कौन सी वैरायटी का माल है ये? अमेरिकन है। तो इसमें और अपने देसी में क्या फर्क रहता है? सॉफ्ट रहेगा और स्वाद में मीठे मीठे में कुछ अपना देसी मीठा रहेगा, और ये जो अमेरिकन है थोड़ा थोड़ा फीका बन पे रहेगा, है ना जी। अब ये देखो मुझे अभी मालूम पड़ा कि अमेरिकन वैरायटी, जैसे अपने सब्जियों में दो तीन वैरायटी, इसमें भी कई प्रकार की वैरायटी रहती है, तो ये अमेरिकन और ये अपना ये देसी नॉर्मल माल है ना। और भाव देखे तो किसान भाई लगभग यूं मान के चले कि सब जगह एक जैसा ही भाव चल रहा है, कोई 120 के 10, कोई 100 के 10, यूं मान के सब जगह नॉर्मली एक जैसे भाव मंडी में चल रहा है, कोई सी वैरायटी देखे। हाँ बाकी आवक तो है, गन्ने की उतर भी रहे और बहुत सी गाड़ियाँ लोड भी हो रही है मंडी में। क्वालिटी आप देख सकते हैं अपने। दादा ये अपन कहाँ से लाता था गन्ना? ये खंडवा के बाद जामली छापरी गाँव। जामली छापरी गाँव से भैया आयसर थी कि पिकअप का लोड था ये अपना? आयसर। और एक पेरी में कितने का? 10 एक नग है एक गड्डी में। और का भाव चल रहा है अपने दादा? मतलब 120-130 रुपए गड्डी, जैसे गिरा वैसे आ जाए, मतलब 100 से 110 रुपये, 120 रुपए। का नाम दादा अपना? दुर्गेश पटेल भाई है ना ये भैया। यही मतलब खंडवा के आसपास का ही माल है, अधिकतर यूं देखा जाए तो यहाँ से अधिकतर खंडवा के उधर का ही माल मंडी में देखने को मिल रहा है किसान भैया इस बार। और मैं देखा भैया इसमें एक और दूसरी वैरायटी भी चल रही है मंडी में, जो काला वो अलग वैरायटी का माल आता है क्या थोड़ा? वो अलग है। वो कौन सा क्या है थोड़ा कुछ आइडिया? ऐसा अच्छा, उसमें स्वाद भी कुछ अलग होगा दादा? अच्छा पूजा काम में वो नहीं चलता, चलाते पर नहीं चलता। अच्छा आवक कितनी क्या होगी था अपने उधर की गाड़ियों के? सबसे ज्यादा अपने उधर की गाड़ियों की आवक के मंडी में 70-80 गाड़ियों की आवक है लाल गन्ने की टोटल, है ना भैया जी। क्यों भाइयों किसान भाइयों 70-80 गाड़ियों की आवक मंडी में देखने को मिल रही, और कई गाड़ी ऐसे नहीं कि रात को खाली हो के भर के भी चले जाओगे, क्योंकि रात भर से ले वाली खरीदी चलती रहती है मंडी में। अभी भी माल उतर भी रहा है और माल आएगा अभी मंडी में इसलिए, और रात भर ऐसे आज रात को भी यही चलेगा, और माल बढ़ना चाहिए कि बढ़ेगा? अब नहीं बढ़ेगा। अच्छा अपन सब दादा वहीं से खंडवा के पास से ही, ये अपने भाई जितने भी है सब खंडवा के पास से ही किसान भैया।